हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने रेट ऑफ डीके का जो लॉ है और उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसे स्टडी किया था, जो हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टडी कर रहे थे। तो उसी आर्टिकल पे बेस्ड हमारे आज के लेक्चर है जिसमें हम रेट ऑफ डीके के प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट, रेट ऑफ डीके या फिर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इन टू ई रेस टू माइनस के टी। तो आपको ये अच्छे से पता है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, एक्स स्टैंड्स फॉर अ मास ऑफ सब्सटेंस एट एनी इंस्टेंट टी, के इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, नेगेटिव साइन क्यों आया है आपको अच्छे से पता है, क्योंकि एज टाइम पासेस द मास ऑफ सब्सटेंस रिड्यूसेस और डिक्रीजेस, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आया है, नेगेटिव साइन आया है। एक्स नॉट क्या होता है, द इनिशियल सब्सटेंस प्रेजेंट, यानी कि जब हमने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया था तब का जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स नॉट बोलते हैं। तो ये हमारा थ्योरी में हो चुका था, जस्ट मैं आपको इसे रिमेंबर या फिर रिवाइज कर रहा हूँ। तो चलो देखो, आप जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उन्हें शॉर्टकट से टैकल करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलो देखो, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड जो प्रॉब्लम है इसे मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, और थर्ड जो प्रॉब्लम है इसे आप खुद सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करना ये भी मैं आपको इस लेक्चर में आगे बताऊंगा। तो चलो देखो अच्छे से, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका वो क्या है, अ बिस्मथ हैज हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज, ओके, अ सैंपल ओरिजिनली हैज अ मास ऑफ 800 मिलीग्राम, फाइंड द मास ऑफ रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अच्छे से देखो, लर्न करो इसे। अ बिस्मथ हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज, तो सबसे पहले आपको हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है ये अच्छे से पता होना चाहिए। सो हाफ लाइफ क्या होती है, जो भी आपको सब्सटेंस दिया है उसका हाफ रिड्यूस्ड होने में, मतलब अगर आपको क्या दिया है 100 kg दिया है तो फिर उसका हाफ रिड्यूस होने में, मतलब 50 kg होने में कितना टाइम लगेगा, जो भी प्रेजेंट है उसके हाफ होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो इस बिस्मथ का हाफ लाइफ पीरियड क्या दिया है, 5 डेज दिया है। अ सैंपल ओरिजिनली हैज मास ऑफ 800 मिलीग्राम, ओरिजिनली मतलब क्या, इनिशियली जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था तब सब्सटेंस का मास कितना था, 800 मिलीग्राम, मतलब टी इज इक्वल टू 0 को मास क्या था, 800 मिलीग्राम। फाइंड द मास ऑफ रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज, 30 डेज के बाद उस सब्सटेंस का मास कितना रिमेन रहेगा, कितना बचेगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से देखो, यहाँ पे सपोज मास ऑफ सब्सटेंस एट एनी टाइम टी इज एक्स, तो एक्स हमने क्या लिया, मास ऑफ सब्सटेंस एट एनी टाइम टी लिया, देयरफॉर डी एक्स बाय डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट एनी टाइम टी होता है, एंड डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये आपको अच्छे से पता है, हमने थ्योरी में देखा था। तो चलो देखो, जैसे इस तरह से आपका प्रॉब्लम आ गया तो क्या करोगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑप्टेन, सॉल्यूशन ऑप्टेन करते हैं हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऑप्टेन करते हैं तो सॉल्यूशन क्या मिलता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ई रेस टू माइनस के टी, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे। चलो कोई बात नहीं, तो इनिशियली सो केस फर्स्ट हम लेंगे, क्या लेंगे, टी इज इक्वल टू 0, मतलब एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, जब टी 0 था, मतलब इनिशियली हमारे पास कितना सब्सटेंस है, 800 मिलीग्राम। सो एक्स की वैल्यू कितनी होंगी, 800 मिलीग्राम। सो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे स्टार में, देयरफॉर स्टार बिकम, जैसे स्टार में इसे पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक्स की जगह पे ये पुट करेंगे, सो 800 इज इक्वल टू एक्स नॉट ऐसे ही रहेगा, ई रेस टू माइनस के इंटू 0, माइनस के इंटू 0 मतलब 0, ई रेस टू 0 मतलब 1, देयरफॉर एक्स नॉट इज इक्वल टू 800 मिलेगा।
तो ये इसी वैल्यू को हम स्टार में रिप्लेस करेंगे। देयरफॉर स्टार चेंजेस टू क्या होगा, x इज इक्वल टू, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 800 इंटू ई रेस टू माइनस के टी, इसे हम क्या बोलेंगे, हैश बोलेंगे। ओके तो चलो देखो क्या हो गया था, फर्स्ट स्टेटमेंट को अच्छे से देखो, उस पर ऑब्जर्व करो क्या दिया है, बिस्मथ हैज हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज। हाफ लाइफ का मीनिंग मैंने आपको समझाया, इनिशियली कितना था 800, तो उसके हाफ होने में मतलब 400 होने में कितना टाइम लगने वाला है, 5 डेज का टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है। तो अच्छे से देखो, तो सेकेंड केस में हम क्या ले सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 400, मतलब पहले कितना था 800, उसके हाफ होने में मतलब कितना होगा 400, कितने डेज लगते हैं, टी इज इक्वल टू 5 डेज, इतना टाइम क्या है रिक्वायर्ड है। तो जैसे ही इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हैश में रिप्लेस करेंगे, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर हैश बिकम, हैश चेंज होने के बाद क्या मिलेगा, चलो एक्स की जगह पे क्या पुट किया, 400 इज इक्वल टू 800 इंटू ई रेस टू माइनस के, टी की जगह पे क्या आएगा 5। सो ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 8 वहां जाएगा, 4/8 दैट इज 1/2 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 5 के, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 बोलेंगे। अच्छे से देखो, तो फिर अब क्या होगा, हमें ये वैल्यू मिल गई, आपको क्या करना है, लास्ट थर्ड कंडीशन में क्या बताया गया है, फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज। इनिशियली जो 800 मिलीग्राम था उसका जो मास है वो 30 डेज के बाद कितना होगा, ऐसा आपको फाइंड करने को कहा गया है। मतलब थर्ड केस में आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू व्हाट एंड टी इज इक्वल टू 30 डेज। ओके तो सेम डाटा को हम क्या करेंगे, हैश में पुट करेंगे, देयरफॉर हैश बिकम, सो हैश चेंज होके क्या होगा, चलो देखो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, x ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 800 इंटू ई रेस टू माइनस के, t की जगह पे क्या पुट करना है 30 डेज। तो अच्छे से देखो, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, t की वैल्यू 30 है, लेकिन ई रेस टू माइनस के की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो फिर यहाँ पे देखो, हमें किसकी वैल्यू पता है, ई रेस टू माइनस 5 के की, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से देखो, हमने ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और बैक्टीरिया में भी हमने स्टडी किया था, जब भी हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने ई रेस टू के की वैल्यू को फाइंड कर किया था और उसका यूज किया था टू कैलकुलेट द सम वैल्यूज इन द थर्ड स्टेप। ओके तो फिर हमारे पास कितना है, माइनस 30 के वैल्यू किसकी पता है हमें, ई रेस टू माइनस 5 के की, तो यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 800 इंटू 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 into 6 ऐसा लिख सकते हैं, सो माइनस 5k into 6, इसे सॉल्व करो, माइनस माइनस के 5 into 6 मतलब क्या आएगा 30। तो चलो देखो, हमें e रेस टू 5k की वैल्यू अच्छे से पता है, क्या है 1/2, सो x इज इक्वल टू 800 into 1/2, पावर क्या रहेगा 6, या बोलेंगे सिंस बाय 1 से हमने e रेस टू माइनस 5k की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट की, तो अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 800 अपॉन 1/2 की 6 पावर, यानी कि 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, इस तरह से 1/2 की 6 पावर मतलब 2 times 6 times 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो चलो फिर से 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आएगा 400, फिर 2 से डिवाइड किया आएगा 200, ओके फिर 2 से डिवाइड किया आएगा 100, ओके फिर 2 से डिवाइड किया आएगा 50, फिर 2 से डिवाइड किया आएगा 25 एंड फिर 2 से डिवाइड किया आएगा 12.5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12.5 मिलीग्राम। ओके तो चलो देखो, यहाँ पे आपका आंसर आ गया, लास्ट में आप लिखोगे आफ्टर द 30 डेज मास ऑफ बिस्मुथ रिमेन इज 12.5 मिलीग्राम। तो चलो देखो, इस तरह से आपका प्रॉब्लम बाय थ्योरेटिकली यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इस प्रॉब्लम में हम शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं, तो शॉर्टकट का यूज कैसे करना है उसे भी आप यहाँ पे अच्छे से देख लो, ताकि कॉम्पिटिटिव में आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स विद इन 20 सेकेंड्स ही क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो शॉर्टकट क्या है, आपको बिस्मुथ जो दिया था वो कितना दिया था 800 मिलीग्राम इनिशियली, मतलब t इज इक्वल टू कितना था 0 एंड x इज इक्वल टू कितना था 800 मिलीग्राम।
और साथ में आपको क्या दिया है, बिस्मुथ हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज। हाफ लाइफ मतलब जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके हाफ होने में कितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड कितने का है, 5 डेज का। मतलब जैसे टी इज इक्वल टू 5 डेज लिया, था कितना 800 मिलीग्राम, 5 डेज के बाद जो था वहाँ क्या होगा हाफ, मतलब 800 था तो क्या होगा 400। फिर से यहाँ से आगे फिर 5 डेज काउंट किए, 5 डेज तो कितना था 400, कितना होगा उसके आप मतलब 200। आगे फिर से t इज इक्वल टू 5 डेज काउंट किए तो जितना था 200 उसके क्या होगा हाफ मतलब 100। फिर t इज इक्वल टू 5 डेज काउंट किए, कितना था 100 उसके क्या होगा हाफ मतलब 50। फिर t इज इक्वल टू काउंट किए 5 डेज जो था 50 वह उसके क्या होगा हाफ मतलब कितना होगा 25। फिर t इज इक्वल टू 5 डेज काउंट किए तो उसके हाफ होगा मतलब कितना होगा 12.5। सो देखो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। सो 30 डेज के बाद आपके पास कंपाउंड जो है वो कितना बचेगा, बिस्मत का मास कितना बचेगा, 12.5 मिलीग्राम ही बचेगा। तो इस तरह से शॉर्टकट से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे से याद रखो कि ये जो डिसइंटीग्रेट का जो रेट है, जो सॉल्यूशन है, ये लीनियर कर्व नहीं है, तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल कर्व है। तो आप इसे लीनियरली नहीं ले सकते। लीनियरली मतलब क्या कि 5 डेज के बाद 800 से 400 हो गया, मतलब 400 लेस हो गया। सो नेक्स्ट 5 डेज में 400 माइनस 400 मतलब 0 रहेगा। सो 10 डेज में सब्सटेंस 0 मिलीग्राम रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा लेते हैं तो ये ग्रोथ कैसे होगी, ये डीके कैसा होगा, लीनियर होगा। लेकिन डीके आप सॉल्यूशन में देख सकते थे, डीके जो है वो लीनियर नहीं है, तो कैसा है, एक्सपोनेंशियल है। मतलब अगर 5 डेज में 800 से 400 ग्राम हो गया तो उसके 5 डेज में 400 से कितना होगा, 200 होगा। इस थीम को आप अच्छे से याद रखो। तो चलो देखो सेकेंड प्रॉब्लम जो है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सिंपल है, अच्छे से देखो, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया है, और इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, सेम तरीके से डीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। डिफरेंस सिर्फ फॉर्मुलेशन का है। ग्रोथ के फॉर्मुलेशन क्या था, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इन टू ई रेस टू के टी, एंड डीके का फॉर्मुलेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इन टू ई रेस टू माइनस के टी। क्यों है, इसका मीनिंग भी मैंने आपको बार बार समझाया है। तो चलो देखो आगे, प्रॉब्लम नंबर सेकंड क्या है, प्रॉब्लम नंबर सेकंड, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। देखो डीके हो या डिसइंटीग्रेशन हो या फिर डिकम्पोजिशन हो, सबका मीनिंग क्या है, सेम। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम। तो चलो देखो आपको लॉ दिया है। सो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले सपोज x is mass of radioactive substance at any time t, ऐसा आपने क्या लिया, एश्यूम किया, सपोज किया, तो उसके बाद क्या होगा, देयर फॉर गिवन, गिवन क्या दिया है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दैट इज dx by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास प्रेजेंट एट दैट टाइम। सो इसे सॉल्व करेंगे, सो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, या फिर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि मास जो है वो क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डीके हो रहा है। तो फिर ऑन सॉल्विंग, जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट इन टू ई रेस टू माइनस के टी, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे। तो ये कैसे ऑप्टेन किया है, हमने थ्योरी में लास्ट लेक्चर में देखा है। तो फिर चलो देखो आगे, आगे देखो क्या बोला है, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम विल डिसइंटीग्रेट इन टू मास ऑफ 0.5 मिलीग्राम। अच्छे से देखो, यहाँ पे आपको सीधा बताया है, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग, मतलब आपको क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, किसके लिए फाइंड करना है, ओरिजिनल मास ऑफ, ओरिजिनल मतलब एट दैट इनिशियल टाइम, मतलब स्टार्टिंग टाइम में, स्टार्टिंग टाइम में कितना मास था, 1.5 ग्राम इतना मास था। अब
वो कितना हो रहा है, 0.5 ग्राम हो रहा है। इसका मतलब 1.5 ग्राम से 0.5 ग्राम इतना मास क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो इतना रिड्यूस्ड होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो देखो, इनिशियली मतलब एट द टाइम ऑफ जीरो, सो टी इज इक्वल टू जीरो, अच्छे से देखो, एक्स इज इक्वल टू, एक्स कितना होगा इनिशियली 1.5 ग्राम। इन वैल्यू को स्टार में पुट करेंगे, देयरफॉर स्टार बिकम, सो स्टार चेंज होके आपको क्या मिलेगा, देखो एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1.5 इज इक्वल टू एक्स नॉट ई रेस टू माइनस के इन टू जीरो, तो ये ई रेस टू जीरो मतलब वन आएगा, सो एक्स नॉट इज इक्वल टू 1.5 ग्राम, इसे हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.5 इंटू ई रेस टू माइनस के टी, इसे हम क्या बोलेंगे, हैश बोलेंगे। तो चलो देखो, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये नया इक्वेशन ऑप्टेन हो गया। अब आपका सेकेंड कंडीशन में अच्छे से देखो, x इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 0.5 ग्राम, 1.5 था इनिशियली, अब कितना हो गया, 0.5 ग्राम हो गया। और आपको इसके लिए क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, दैट इज t इज इक्वल टू व्हाट। सो ये प्रॉब्लम जो है ये सेकेंड कंडीशन में ही क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो हैश में पुट करेंगे, देयरफॉर हैश बिकम क्या मिलेगा, चलो देखो अच्छे से, हैश में पुट किया, सो x की वैल्यू 0.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू ई रेस टू माइनस के इन टू टी, सो ये यहाँ आएगा 0.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी, तो 0.5 अपॉन 15 दैट इज 1/3 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी, बोथ साइड से लॉग अप्लाई किया, सो लॉग ऑफ 1/3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू माइनस के टी, ये आगे आएगा लॉग ही मतलब 1, सो माइनस के टी, आपको पता है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर किया तो साइन चेंज होगा, सो लॉग ऑफ 1/3 को हम कैसे लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस माइनस प्लस होगा, देयरफॉर टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 अपॉन के, ऐसा आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू डिकम्पोज इन टू 0.5 ग्राम इज लॉग ऑफ 3 अपॉन के, 1.5 ग्राम से 0.5 ग्राम तक डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगेगा, लॉग ऑफ 3 अपॉन के इतना टाइम लगेगा। तो चलो देखो, इस तरह से प्रॉब्लम सेकेंड भी आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम था ये सेकेंड लेवल तक की था, तो सेकेंड स्टेप में ही आपको सॉल्व करना था। अब देखो थर्ड प्रॉब्लम क्या है, बड़ा सिंपल है, आपको इसे सॉल्व करना है। सिमिलरली क्या दिया है, द रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। क्लियरली बताया गया है कि अगर एक्स आपने सब्सटेंस लिया तो क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स दिया है। आपको पता है जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इन टू ई रेस टू माइनस की टी, ऐसा सोल्यूशन मिलेगा। तो आगे देखो क्या करना है, इनिशियली देयर आर 25 ग्राम, इनिशियली मतलब फर्स्ट स्टेप में आप क्या लोगे, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25 ग्राम यहाँ पे पुट करोगे, सो x नॉट इज इक्वल टू 25 ऐसी वैल्यू हमें मिलेगी, इसे रिप्लेस करेंगे तो x इज इक्वल टू 25 ई रेस टू माइनस की टी, ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, हैश बोलेंगे। देखो आगे, सर्टन सब्सटेंस एंड 2 आवर लेटर इट फाउंड दैट 9 ग्राम आर लेफ्ट। तो चलो देखो, सेकेंड स्टेप में आप x की वैल्यू कितनी लोगे, 9 ग्राम लोगे, एंड t की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 आवर्स लोगे। सो x लिया 9 ग्राम, t लिया 2 आवर्स, यहाँ पे पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, 9 इज इक्वल टू 25 इंटू ई रेस टू माइनस के इंटू 2, तो फिर इसे अरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, 9/25 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 2k, ऐसा आपको मिलेगा। इसे आप इक्वेशन क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। एंड आपको क्या करना है, अब यहाँ से देखो, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर, मतलब 2 आवर्स तो हो चुके हैं और 1 आवर के बाद कितना मास रहेगा, मतलब आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू व्हाट फाइंड करना है, एंड t इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 आवर्स। तो आप यहाँ पे हैश में x के ऐसा रखो, e रेस टू k, t की जगह पे 3 पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 25 इंटू ई रेस टू माइनस के इंटू 3,
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 ऐसे रहेगा या 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, e^-2 की एक वैल्यू आपको पता है 9/25, उसका 3/2 पावर आएगी और आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो यहाँ इसे कैसे सॉल्व करना है आपको अच्छे से पता है। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम 3 भी सॉल्व हो गया, जिसे सिर्फ आपको अच्छे से होमवर्क में लिखना है। सामने लास्ट प्रॉब्लम है रेट ऑफ डीके पे, क्या है, रेडियम डिकम्पोजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। तो सिंपली आपको वैसा ही दिया है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम टी। तो जैसे ही हमने इसे लिया, सपोज एक्स बी अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम टी, देयरफोर गिवन, क्या गिवन है, चलो dx/dt, जैसा उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है dx/dt डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x, इसे सॉल्व किया तो dx/dt इज इक्वल टू -kx, वेयर k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द मास ऑफ सब्सटेंसेस और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिक्रीज्ड। ओके, तो चलो ये प्रोसेस हर प्रॉब्लम में क्या रहेगी, सेम रहेगी। आगे क्या दिया है, चलो देखो, इफ p% ऑफ अमाउंट डिसअपीयर इन 1 ईयर, अच्छे से देखो प्रॉब्लम में आप यही पे गलती कर जाते हो। क्या प्रॉब्लम है, p% ऑफ अमाउंट डिसअपीयर इन 1 ईयर, एक ईयर में p% ऑफ अमाउंट डिसअपीयर होती है, लेकिन x क्या है, x इज अ अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम टी, x कितना डिसअपीयर हुआ है ये वैल्यू x की नहीं है। सो क्या है x की वैल्यू, कि कितना अमाउंट बचा है ये x की वैल्यू है, और आप यही पे गलती डेफिनेटली करते हो। तो अच्छे से आपको यहाँ पे सुनना होगा कि p क्या है, p% ऑफ अमाउंट डिसअपीयर हो गई है तो कितनी बची है ये x है। सो x क्या होगा, कितना इनिशियली आप जितना लिए वहां से p% गया, सो जितना लिया -p% गया, इतना क्या होगा आपका बचेगा। तो चलो हम यही पे केस लेंगे ऑन सॉल्विंग, इसे जैसे हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, ऑन सॉल्विंग x इज इक्वल टू x0 e^-kt, इसे हम क्या लेंगे, स्टार लेंगे। तो फिर इनिशियली बोलेंगे एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, फर्स्ट कंडीशन, जब टी 0 था तो एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, एक्स नॉट, क्योंकि इनिशियल अमाउंट उन्होंने दी नहीं है तो हमें अस्यूम करना पड़ेगा और हमें पता है एक्स नॉट क्या होती है इनिशियल अमाउंट, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे टी इज इक्वल टू 0, जैसे पुट किया इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स नॉट। तो फिर ये आपकी क्या हो गई, इनिशियल अमाउंट हो गई। अब सेकेंड केस में अच्छे से देखो, सेकेंड केस में क्या हो गया, p% ऑफ अमाउंट डिसअपीयर, कितने अमाउंट डिसअपीयर हो गई, p% ऑफ अमाउंट डिसअपीयर, t% ऑफ अमाउंट डिसअपीयर, देयरफॉर इन 1 ईयर p% ऑफ अमाउंट डिसअपीयर इन 1 ईयर, ऐसा आपको दिया है। मतलब x क्या है, अमाउंट लेफ्ट मतलब इनिशियली कितना था, x नॉट, p% कम हो गया, सो x नॉट माइनस p/100 इंटू x नॉट। इसे अच्छे से समझो ये स्टेप कैसे आ गई है, इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू क्या आ गया, x नॉट, दैट इज इनिशियल अमाउंट। सो इनिशियल अमाउंट क्या थी, x नॉट थी, अब वहां से p% तो चला गया, सो p% मतलब क्या, p/100 इंटू x नॉट, तो इतना चला गया, तो कितना बचेगा, x नॉट माइनस p/100 इंटू x नॉट, इतना बचेगा, कब, जब t इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ईयर होगा, मतलब एक ईयर के बाद p% चला गया, मतलब कितना चला गया, p/100 इंटू x नॉट, इतना चला गया, तो कितना बचा, x नॉट माइनस p/100 इंटू x नॉट, इतना बचा, मतलब हमें x क्या लेना होता है, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, t की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, इसे हम पुट करेंगे कहाँ पे, स्टार में, तो आपको क्या मिलेगा, x नॉट माइनस पी ऑफ एक्स नॉट अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू e^-k इंटू 1, कहाँ पुट किया, सिंस बाय स्टार, सो एक्स नॉट कैंसिल हो गया, सो 1-p/100 इज इक्वल टू e^-k, ऐसा हमें मिलेगा। तो फिर
या फिर आप इसे सॉल्व करके ऐसा भी लिख सकते हो 100 माइनस पी अपॉन 100 इज इक्वल टू इरेज टू माइनस के, इसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन देखो अच्छे से, व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट, आपको अमाउंट फाइंड करनी है लेकिन कहाँ पे परसेंट में, ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद कितनी अमाउंट लेफ्ट होगी ये आपको फाइंड करना है। दैट इज थर्ड स्टेप में एक्स इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है एंड टी इज इक्वल टू क्या लेना है 2 ईयर, देयर फोर स्टार बिकम, इसके बाद ये सब वैल्यू आप स्टार में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इन टू ई रेस टू माइनस 2k। तो फिर एक्स नॉट इन टू ई रेस टू माइनस के इन टू 2, ई रेस टू माइनस के की वैल्यू अच्छे से पता है, सो एक्स नॉट इन टू क्या मिलेगा 100 माइनस पी अपॉन 100 रेस टू 2। तो फिर इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स नॉट इन टू 100 माइनस पी ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन 100 इन टू 100, अच्छे से देखो। तो फिर इसे हम अरेंज करेंगे 100 माइनस पी ब्रैकेट का स्क्वेयर अपॉन 100 इन टू एक्स अपॉन एक्स नॉट अपॉन 100। सो एक्स नॉट अपॉन 100 मतलब ये क्या आएगा परसेंट में, देखो अच्छे से, यहाँ पे भी हमें परसेंट चाहिए था, हमने क्या किया एक्स नॉट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक्स नॉट अपॉन 100 आ गया। तो जैसे हमने एक्स नॉट अपॉन 100 को निकाल दिया तो कन्वर्ट क्या होगा, एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी परसेंट में। सो एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस पी ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन 10 स्क्वेयर, इस 100 को हम कैसे लिखेंगे 10 स्क्वेयर, एक्स नॉट अपॉन 100 इन टू दिस, मतलब ये क्या कहाँ कन्वर्ट हो गया परसेंट में, और आपको फाइन भी कहाँ करना है परसेंट में। अच्छा देखो हर चीज का कोई मीनिंग होता है, तो फिर ये अंदर चला जाएगा स्क्वेयर स्क्वेयर है, सो एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस पी अपॉन 10 ब्रैकेट का स्क्वेयर, देखो 10 का स्क्वेयर है, इस ब्रैकेट का स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर ब्रैकेट को चला गया, अंदर क्या गया 10, सो एक्स इज इक्वल 100 अपॉन 10 दैट इज टी 10 पी बाई 10 ब्रैकेट का स्क्वेयर इंटू परसेंट, तो x कितना बचेगा 10 माइनस पी बाई 10 ब्रैकेट का स्क्वेयर, इतना परसेंट आपको 2 ईयर्स के बाद सब्सटेंस का बचेगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, आपको रेडियम दिया था, इनिशियली कितना है पता नहीं था, तो आपने एश्यूम किया t इज इक्वल टू 0 में इनिशियल कितना होता है x इज इक्वल टू x नॉट होता है। तो इस एश्यूम के बाद आपको पता था कि 1 ईयर में वो कितना डिसअपीयर हो गया, पी परसेंट डिसअपीयर हो गया, मतलब कितना बचेगा ओरिजिनल माइनस पी परसेंट इतना बचेगा, सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया ओरिजिनल माइनस पी परसेंट, परसेंट को समझो एक्स नॉट अपॉन 100, इसे हम क्या बोलते हैं परसेंट बोलते हैं। तो सेम सॉल्व किया, उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी आफ्टर टी इज इक्वल टू 2 ईयर, पुट किया स्टार में, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिला यहाँ तक। तो जैसे एक्स नॉट अपॉन 100 आ गया इसे निकालेंगे तो क्या मिलेगा परसेंट में, फाइंड भी कहाँ करने को बोला है परसेंट में, सो एक्स नॉट अपॉन 100 चला गया, आ गया परसेंट, तो इसे अरेंज किया आपको मिला एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस पी अपॉन 10 ब्रैकेट का स्क्वेयर परसेंट, मतलब इतना अमाउंट आपको 2 साल के बाद यहाँ पे बचेगा। तो चलो देखो रेट ऑफ डीके के सभी प्रॉब्लम सॉल्व अनसॉल्व एक्सरसाइज से यहाँ पे कंप्लीट हो गए, मैंने आपको बोर्ड के लिए कैसा लिखना है साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव में शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करना है ये भी बताया, तो आपको ये प्रॉब्लम्स बहुत ही आसानी से सॉल्व करने आएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें, और आप सबका जो फेवरेट चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।